हमारे साथ में अगले मेहमान जुड़ रहे हैं, खास मेहमान हैं विवेक मित्तल जी, बाजार के एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट हैं नतीजों के, तो इनको रिजल्ट्स का किंग भी कहा जाता है। तो विवेक मित्तल जी हमारे साथ में है, स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सर। फिलहाल बाजार में क्या कर रहे हैं, कहां किन स्टॉक्स में नजर रख रहे हैं और क्या किया जा सकता है? देखिए इस समय डेफिनेटली जो बहुत साइक्लिकल और बहुत अलग तरह के शेयर्स पर हम ट्रेड कर रहे हैं और इस समय कोई इन्वेस्टमेंट का भी फिलहाल विचार नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं प्लान कर रहे हैं। लेकिन यस कुछ चीजें जो कि थोड़े से मिड टर्म के लिए हम लोग देख रहे हैं उसमें लास्ट वीक तो शायद मैं नहीं आ पाया था तो थोड़ा सा जो एग्री से जुड़े हुए शेयर हैं उनमें ध्यान रखना चाहिए था और हमने कुछ थे काउंटर स्पेसिफिक जो कि रिजल्ट से जुड़े हुए थे उन काउंटर्स पे मूव देखा। शायद मैंने लास्ट टाइम आपके यहाँ पर बताए भी थे कुछ एक शेयर्स जिनमें की मूव देखने को मिला है उसमें लेमन ट्री था। लेमन ट्री कल रिजल्ट पहले करीब 52-53 तक गया। उसके अलावा एक काउंटर मैंने मुझे याद है कि किसी दर्शक ने पूछा था आई थिंक जो एम्बर एंटरप्राइजेस को लेकर, तो मैंने उनको बोला था कि रादर यू कैन इन्वेस्ट इन रेडिंगटन, रेडिंगटन में अच्छे रिजल्ट्स आए, बेहतरीन रिजल्ट। अभी भी मैं बोलूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइंस रखे, 171 चल रहा है, वहां से 10 करीब 7-8% ऊपर आ गया है तो आज तो थोड़ा 1% नीचे, लेकिन ओवरऑल जहां पर हमने रिकमेंड किया था वहां से 7-8% ऊपर है। सो इस तरह के शेयर्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, लाइक इंडिया बुल्स हाउसिंग है, इंडिया बुल हाउसिंग के भी रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसको देख सकते हैं आप। और आई बिलीव कि बहुत सारे शेयर्स इस तरह के हैं जिनमें कि अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं तो, और लेकिन पीछे जहां भी थे वहां पर हमने ज्यादातर शेयर्स में अपने शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट से वो बुक किए हैं। ठीक है, कुछ नए स्टॉक्स हैं या अभी अब कुछ नतीजे बाकी हैं या अभी फिलहाल अब सीजन जो या जो इम्पोर्टेंट जिनमें नतीजे देखे जा रहे थे या जिसमें कुछ हो सकता था वो चीजें अभी सेटल डाउन हो गई हैं और अब अगले सीजन में ही होंगी? देखिए आज 11 तारीख है और जनरली जो लास्ट डे ऑफ द रिजल्ट है वो 14 तारीख है, तो आज जो भी हम कंपनी अगर लेंगे भी तो हमें पता है कि वो 14 तारीख को उसके रिजल्ट आने हैं तो उस हिसाब से हम कंपनीज ले सकते हैं। उस कड़ी में एक शेयर है एशियन टाइल्स, आप इस काउंटर को देख सकते हैं, इसमें ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आज के डे लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 117.50 रुपए के नीचे अगर आता है तो आप निकल जाइएगा। इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो 127 रुपए तक के रहेंगे, ज्यादा लंबे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि इस समय ज्यादा बड़ा मूव मिलता भी नहीं है रिजल्ट से पहले, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर ये काउंटर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ जाते हैं क्योंकि कंपनी फंड रेस कर रही है, बहुत सारे इश्यूज को झेल चुकी है, 180 रुपए से शेयर 120 रुपए भी आ चुका है, तो इसलिए अब इन लेवल्स पर थोड़ा सा सारी चीजें प्राइस्ड इन है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से अगर चलती है तो लॉन्ग टर्म भी अच्छा चलेगी, बट डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पैरामीटर जो भी इसके होते हैं इस के रिजल्ट्स के, आज ही है तो मुझे लगता है कि इस काउंटर को देख सकते हैं आप, इसमें 127 और अगर लॉन्ग टर्म में चले तो 150-160 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एशियन टाइल्स, स्टॉप लॉस छोटा सा केवल 2 रुपए नीचे का। एशियन ग्रेनाइट इंडिया एशियन टाइल्स के नाम से और इसको लेकर के चल सकते हैं। ठीक है सर, अगर आपकी लिस्ट में कुछ और हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं सवालों पे। देखिए एक शेयर है जिस पर की हम नजर बनाए हुए हैं वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में देखिए इसकी जो पीयर कंपनी है HEG, उसके रिजल्ट्स आए थे परसों, बेहतरीन रिजल्ट्स थे और जिस तरह के अब इसके भी रिजल्ट्स 14 तारीख को है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। मेटल कंपनियों के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है, दो ही कंपनियां इंडिया की लीडिंग कंपनीज है, ज्यादा इसमें वो नहीं है, एक शायद वर्ल्ड नंबर वन है, एक वर्ल्ड नंबर टू है, इस तरह का कुछ है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, ना सिर्फ इंडिया की मतलब वर्ल्ड में भी ये टॉप की शायद कंपनीज में आती है, आई थिंक मे बी शायद 5th-6th रैंक को, मुझे रैंक इनकी याद नहीं है बट ये वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आती है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो कंपनीज हैं इन पर नजर बना सकते हैं क्योंकि जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज है वो ईवी से भी जोड़कर देखा जाता है इन दोनों ही कंपनीज को, तो जो लॉन्ग टर्म में डिमांड जहां पर कम नहीं होने वाली है वो ये कंपनीज हैं या ईवी सेगमेंट है,
मुझे लगता है कि ग्रेफाइट में बाय किया जा सकता है, कंसीडरिंग परसों रिजल्ट्स भी हैं, तो प्री रिजल्ट बाइंग अगर कुछ देखने को मिलती है तो यहाँ से आप 540, 545 और 565 ये दो टारगेट्स लेकर चले। स्टॉप लॉस एक बहुत ही छोटा रखना है, 518 के नीचे अगर आज ये क्लोज होता हुआ दिखे तो आप इससे एग्जिट कर लीजिए। तो कुल 2 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस और आपको टारगेट्स है करीब 25 रुपए और 45 रुपए। ठीक है, तो बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कॉशियस नजरिया मुझे लग रहा है कि विवेक जी अपना रहे हैं, और ठीक है, मतलब वो सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि अगर बाजार दूसरी दिशा में चल रहा है, जैसे अगर हम देख रहे हैं तो अभी 1.5% की गिरावट अभी इस समय है 260 पॉइंट की निफ्टी में है, ऑलमोस्ट 1.5% की 1.3% की गिरावट बैंक निफ्टी में, 500 पॉइंट नीचे है, तो उस लिहाज से वो सारी चीजों को देखते हुए थोड़ा सा एक कॉशन, और इसीलिए उसी लिहाज से शॉर्ट स्टॉप लॉस भी। ठीक है।